स्विट्जरलैंड से आए आप? मैं स्विट्जरलैंड में रहता हूँ, मैं स्विस सिटीजन हूँ। अच्छा। मैं प्यार की बात कर रहे हैं कि मोहब्बत करनी चाहिए, नफरत को छोड़ना चाहिए, तो मेरे हिसाब से पूरे भारत को इसमें जुड़ना चाहिए। जितने भी बाहर हमारे भारत के लोग रहते हैं, जितने भी NRI, उन सबको मैं कहूँगा कि इसमें जुड़िए। भारत एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा जो है पंजाब में चल रहा है, फिर जो है दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर में राहुल गांधी के लिए लोग जो है कनाडा से कहीं आ जाते हैं तो कुछ लोग स्विट्जरलैंड से आ जाते हैं, और एक साथी हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में काफी समय से चल रहे हैं और ये स्विट्जरलैंड से आए हुए राहुल गांधी से प्रेम करते हैं और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने के लिए वहां से आ गए हैं। बिजनेसमैन है, कांग्रेस से कोई लेना देना इनका नहीं है। सर नाम बताइए। मेरा नाम नितिन परमार है। अच्छा, स्विट्जरलैंड से आए आप? मैं स्विट्जरलैंड में रहता हूँ, मैं स्विस सिटीजन हूँ। अच्छा। और पिछले 20 साल से मैं स्विट्जरलैंड में रहता हूँ। अच्छा। तो स्विट्जरलैंड में रहते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा में आप क्या कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा में मैं अकेला क्या कर रहा हूँ, उससे अच्छा ये है कि सबको उसमें जोड़ना चाहिए। उसका जो एजेंडा है, उसका जो लोगों को जो जुड़ने की जो बात है, वो बहुत अच्छी बात है। इसमें प्यार की बात कर रहे हैं कि मोहब्बत करनी चाहिए, नफरत को छोड़ना चाहिए, तो मेरे हिसाब से पूरे भारत को इसमें जुड़ना चाहिए। जितने भी बाहर हमारे भारत के लोग रहते हैं, जितने भी NRI, उन सबको मैं कहूँगा कि इसमें जुड़िए। भारत में प्यार की ज़रूरत है, जो नफरत फैल गई है उसको तोड़ना है। तो आपको स्विट्जरलैंड से कैसे ऐसे पता चल गया कि भारत में नफरत फैल गई? जी, मेरे कुछ रिलेटिव यहाँ पर भी रहते हैं, YouTube में हम काफ़ी न्यूज़ भी देखते हैं, और स्पेसिफिकली जब इंडिया के नेगेटिव न्यूज़ होते हैं ना, तो बहुत उसको रिपीटेडली यूरोप में दिखाया जाता है, और उसमें हमारी इंप्रेशन भी काफ़ी बिगड़ती है, ख़राब होती है। जैसे कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम, कई जगह कई बार हमने वो देखा था कि मुस्लिम के घर में मीट मिला तो उसको मार डाला, ये सब जो हुआ। फिर मुस्लिम बच्चों को बिना वजह परेशान किया जाता था, लिंचिंग भी काफ़ी हुआ, और ये सब धीरे धीरे स्प्रेड होते हुए क्रिश्चियन के ऊपर भी काफ़ी तकलीफ हुई। तो पहले जब कांग्रेस का टाइम था तब ये सब तो नहीं था, 2014 से पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो अचानक क्यों? अचानक हिंदू कोई खतरे में नहीं है, सब प्यार से रहते हैं, सब एक दूसरे के नेबर हैं, और सब एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, किसी को किसी से नफरत नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है स्विट्जरलैंड से आ गए तो कारोबार वगैरह क्या हो रहा है वहाँ पे? आप वहाँ पे बिजनेस करते हैं? भाई, मेरा हॉस्पिटैलिटी का काम है तो चलता रहता है। शाम तो काफ़ी सारे हो गए। हाँ, काम थोड़ा सा, एक्चुअली वहाँ पे सीजन जो होती है वो अप्रैल के बाद में शुरू होती है। हाँ। और मुझे ये लगा कि अभी मेरे पास थोड़ा समय भी है। हाँ। और ये एक अच्छी बात हो रही है, तो क्यों ना मैं मेरा योगदान ये यज्ञ में दूं, ये मेरी भी एक तपस्या होगी। तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ आप स्विट्जरलैंड से आ गए, तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है जो कुछ भी देश में हो रहा है? मैं एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं कहूँगा, मगर मैं ये स्पेसिफिक जरूर कहूँगा कि एक यूनियन है, जैसे कि आप RSS नाम दे सकते हैं, उसको BJP नाम दे सकते हैं, तो उन लोगों का एक ही एजेंडा पहले से रहा है कि हिंदू नेशन करना है, जबकि हमारा देश पहले से बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, उनमें उन्होंने जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि ये सेक्युलर नेशन है, इसमें सब साथ में रहने चाहिए, सब एक साथ जुड़ने चाहिए, एक सूत्र से बंधे होने चाहिए। तो भारत जोड़ो यात्रा लग रहा है कि उन सभी को एक सूत्र से जोड़ रहा है? जी जरूर जुड़ रही है। 57 से 62 तक मेरे जब पिताजी सांसद थे, तो उन्होंने जो बाबा साहेब की ज्योति की मार्च की थी, उसमें भी उनका यकीन आ रहा था कि हिंदू एक है, मुस्लिम एक है, दलित के ऊपर जो थोड़े से आघात होते थे उसको भी मिटाना चाहिए। बाबा साहेब ने जो मैसेज स्प्रेड किया था, वो मैसेज पिताजी ने भी आगे बढ़ाया था, और हम लोग कुछ न कुछ हिसाब से कांग्रेस से इसलिए जुड़े हुए ताकि मेरे पिताजी इंडिपेंडेंट थे, मगर मेरे पिताजी सबसे फेवरेट जवाहरलाल जी के थे, तो उस वक्त की राजनीति ऐसी थी कि ऑपोजिशन है, वो ऑपोजिशन सिर्फ उनको अवॉइड नहीं करना है, ऑपोजिशन को साथ में लेकर सरकार चलानी है, ऑपोजिशन को भी कोई जिम्मेदारी देनी है। जैसे कि मेरे फादर को जवाहरलाल जी ने इंडो चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी, जबकि वो यंगेस्ट पार्लियामेंट मेंबर थे। अच्छा।
तो अभी क्या हो रहा है, फादर पार्लियामेंट मेंबर, मेरे फादर पार्लियामेंट मेंबर 57 से 62 तक थे, गुजरात अहमदाबाद से। अच्छा, तो मतलब आपके पिताजी लोकसभा सांसद रहे। मेरे फादर लोकसभा सांसद थे। अच्छा। फैमिली में भी सब कांग्रेस से। दूर क्यों चले गए फिर? ऐसे वो हमारी जनरेशन में ऐसा ही है कि फोर्थ जनरेशन जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो भी कुछ एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे और ये सब इस तरह से अलग अलग है। तो क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा या आप जो कह रहे हैं कि लगातार जो चीज़ें नफरत बढ़ गई है देश में, तो राहुल जी से मुलाकात आपकी हुई इस यात्रा के बीच? अगेन आई वुड से दैट हाँ, मुझे भी मैं चाहता हूँ कि राहुल जी से मेरी मुलाकात हो। तक नहीं, नहीं अभी तक नहीं हुई है। मगर तो क्या बात करें, मैं राहुल जी को यही कहूंगा कि पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड आपके साथ में है। क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस मेरे रिलेटिव के यहाँ पे, वो जो हम लोग स्विट्जरलैंड के फ्रेंच पार्ट में हैं, तो वहाँ के रिलेटिव्स को भेजा और उन लोगों का बार बार एक ही मैसेज आ रहा है कि नितिन व्हाट यू आर डूइंग इज रियली वेरी गुड थिंग्स, ये इंडिया को जरूरी है, इतना बड़ा नेशन है उनको जरूरी है। तो राहुल गांधी को इस पूरे यात्रा में आपने देखा होगा, तो कितने आपको प्रोमिसिंग, कितने अलग, कितने अद्भुत लीडर लगे? एग्जैक्टली ये मुझे, मैंने जब ज्वाइन किया ना, पहला मैंने देगलूर बॉर्डर है महाराष्ट्र की, वहाँ से मैंने जाया, तब मेरे ख्याल से राहुल जी साधारण से तरह से स्पीच दे रहे थे, मगर बाद में वो देखा कि राहुल जी एक अभी मक्कम होते जा रहे, लोगों का साथ उनके साथ आ रहा है और हर स्टेट में राहुल जी की जो चाह है वो इतनी बढ़ रही है, हर लोग उनकी एक झलक देखने को दौड़ धाम कर रहे हैं। तो मुझे लगा जैसे कि भगवान की हमें कोई झलक देखने के लिए दौड़ते हैं, उस तरह से लोग दौड़ा दौड़ कर रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा में लगातार चीजें बदल रही है और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये व्यक्ति जो है, ये जो भाई थे नितिन जी, ये स्विट्जरलैंड से आ गए हैं यात्रा में शामिल होने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा, अमेरिका, अलग अलग देशों से यात्रा को अपनी जो है स्वागत दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। रजान सारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।